जय गणेश। तो जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका इंडियन पोकेमॉन यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पे। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में मैं गिव अवे करने वाला हूँ 1000 पोकी कॉइंस। जी हाँ गाइस, 1000 पोकी कॉइन में गिव अवे करने वाला हूँ। और मेरे को एक ऐसी ट्रिक पता चली है जिससे भाई मैं 1000 के 2000 पोकी कॉइन में गिव अवे आराम से कर सकता हूँ। तो भाई देखो, सीधी सरल बात है, इस वीडियो में भाई मेरी मदद फैंटम यूट्यूब भैया के नाम के एक प्लेयर ने करी है। उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हें 1000 पोकी कॉइन वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ साथ उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये गिव अवे फैंटम भैया ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। उनको ये ट्रिक पता थी, तो 1000 पोकेकॉइन वो भैया गिव अवे कर रहे हैं। तो भाई फटाफट से जाओ उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही वो भाई गिव अवे कर देंगे, लाइव आके करेंगे। जी हाँ गाइस, और 10 लकी विनर्स को देने वाले हैं भाई वो 1000 पोकेकॉइन के अंदर अंदर। पोकेकॉइन मतलब देख लो यार, वो पोकेकॉइन गिव अवे कर रहे हैं, टोटल 1000 पोकेकॉइन गिव अवे कर रहे हैं, या फिर भाई एक बंदे को 1000 पोकेकॉइन देंगे। ये उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं कराया, वो अपने यूट्यूब चैनल पे क्लियर कर देंगे। इसी के साथ साथ भाई 10 विनर निकालने वाले हैं वो। तो भाई क्या कर रहे हो यार, फटाफट से आके सब्सक्राइब कर लो भाई इंडियन पोकेमॉन के यूट्यूब चैनल को, और इसी के साथ साथ यूट्यूब भैया को भी जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर्स पे लाइव आएंगे वो 10 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली। अब अपन बात कर लेते हैं भाई कौन से ट्रिक से भाई मैं बहुत सारे पोकेकॉइन कलेक्ट करना हो। तो आपको करना कुछ नहीं, अपना कोई सा भी ब्राउजर खोल लो, मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। उसके बाद आप मेरे दिए गए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए भाई लिंक पे क्लिक करो, इस साइट पे जाओ, इसमें जाके साइन इन करना है आपको सिंपली। जैसे कि मैं अभी खोल लेता हूँ ये फलाना डीम का नी साइट, इस साइट को ओपन करने के बाद इसको अपने सारी आईडी पासवर्ड सब कुछ दे दो और आपको पोकेकॉइन मिल जाएंगे। सिंपल है भाई, और मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस साइट पे जाओ, अपने आईडी पासवर्ड जो भी ये साइन माइन मांग रहे दे दो, और बहुत आसानी से आपको बहुत सारी पोकेकॉइन मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसी ट्रिक ने के मैं तो भाई हर बार इस्तेमाल करता हूँ। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल। आप भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। पोकेकॉइन का चक्कर बाबू भैया, पोकेकॉइन का चक्कर बहुत बेकार होता है। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ये मकान मालिक क्या चीज है। जोक्स अपार्ट गाइस, भाई देखो सीधी सरल बात है, जो मैंने आपको पहले बताया ना, सब कुछ स्पैम था, आप इसमें पार्टिसिपेट मत करना। और अगर मैं चाहता तो भाई ये वीडियो डाल के बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी, मतलब एकदम कसम से बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो सकता था, मेरे 5000 के 10000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाते बड़े आराम से। पर लेकिन भाई ये सब कुछ एक स्पैम है, आपका अकाउंट चले जाएगा भाई, मम्मी कसम मैं खा के बोल रहा हूँ। आप अगर ये इस आईडी में या फिर इस लिंक पे जाके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड दे दोगे तो आपका पोकेमॉन गो अकाउंट चले जाएगा। इसी के साथ साथ आपके पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट के साथ भी थोड़ा स्पैम हो सकता है। तो भाई मैं तो कोई चीज़ प्रेफर करने वाला हूँ, इन सब स्पैम में मत पड़ो, यूट्यूब की ऐसी वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि भाई ये सही रास्ता नहीं है, ये कोई रास्ता है ही नहीं भाई, बस तुम ठगे जाओगे भाई इन लिंक के द्वारा। तो भाई इनमें कभी भी भरोसा मत करो, ऐरे गहरे नथु गहरे यूट्यूबर की भी वीडियो देखना बंद कर दो यार, बस तुम्हारे साथ स्पैम हो जाएगा। अब अगर अपन रियल टेक्निक की बात करें, जिससे भाई मेरे पास ये 56000 पोकेकॉइन आए हैं, 20000 पोकेकॉइन आए और 10000 पोकेकॉइन आए हैं। जी हाँ गाइस, ये तीनों की तीनों इमेजेस रियल है और मेरे दोस्तों की है, और 10000 वाली तो मेरी खुद की है। अगर तुम पूछ रहे हो कि भाई मैं इतने सारे पोकेकॉइन कैसे कलेक्ट कर रहा हूँ भाई, वो भी इतने कम टाइम में, तो भाई इसके एक प्रॉपर ट्रिक बताने वाला हूँ। तो भाई अगर तुमने अब तक कान में हेडफोन नहीं डाल रहे, डाल लो, क्योंकि भाई वीडियो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो यार, बिना किसी इंट्रो के लेट्स गो बॉयज। तो देखो सीधी सरल बात है भाई, अगर आपको पोकेकॉइन चाहिए होते ना, तो आप सिंपली अपना कोई भी पोकेमॉन जिम में डालते हो, एक दिन बाद अगर डिफीट होकर आपके पास आ जाता है तो भाई आपको 50 पोकेकॉइन मिल जाता है। ये मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता होगी, और नहीं भी पता तो पता लग गया होगा कि भाई 12 घंटे बाद या 13 घंटे बाद आपको अगर पोकेमॉन जिम से डिफीट होकर आ जाता है तो 50 पोकेकॉइन लेके आता है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 पोकेकॉइन मिल सकते हैं एक पोकेमॉन डिफीट होने के द्वारा। तो भाई देखो ये बहुत तगड़ी चीज़ है, और पोकेमॉन गो ने 50 पोकेकॉइन बहुत कम रखे, मुझे मालूम है पहले 70 पोकेकॉइन था। तो चलो यार, अब जो स्थिति है उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो यार देखो, सिंपली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कोई भी पोकेमॉन पकड़ो ना, मतलब एकदम रैंडम पोकेमॉन जो ज़्यादा पावरफुल ना हो, उसको जिम में डाला करो। जी हाँ गाइस भाई, मैं आपको तीन ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ और तीन ऐसे फ़ायदे बताने वाला हूँ जिससे भाई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ पोकेकॉइन बहुत सारे हो जाएंगे यार आपके पास एक महीने के अंदर अंदर। तो भाई देखो सीधी सरल बात है, सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 बस यही है, अपने सिटी में खेलो या फिर अपने एरिया में ही खेलो भाई, स्पूफ करके बाहर मत जाओ, विदेशियों में मत जाओ, अगर तुम्हें सही में पोकेकॉइन की ज़रूरत है तो। और यकीन मानो भाई, तुम्हारी लेवल कुछ भी हो, पोकेकॉइन अगर तुम्हारे पास है ना 2000 से ज़्यादा, तो कसम से भाई तुम लेवल 40 के ऊपर हो, लिख के ले लो। और अगर तुम्हारे पास 5000 से ज़्यादा पोकेकॉइन है ना, तुम लेवल 50 के आराम से क्रॉस कर सकते हो भाई। लेवल 50 तो एकदम तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है, क्योंकि भाई पोकेमॉन को इवेंट डाला रहता है। ओ सॉरी, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया हूँ।
अब देखो भाई सीधी सरल बात है, मैं तुम्हें ऐसी तीन ट्रिक देने वाला हूँ जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलो यार ट्रिक नंबर वन की तरफ अपन चलते हैं। तो यार देखो कुछ भी हो जाए, तुम स्पूफ करते हो या नहीं करते हो, और अगर तुम स्पूफ करते हो तो अच्छी बात नहीं है, और अगर तुम लीगट खेलते हो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर तुम स्पूफ करते हो ना तो भाई विदेशों में जाके हैक करना बंद कर दो जी। हाँ गाइस भाई देखो सीधी सरल बात है, जो भी तुम्हारा एरिया है या फिर तुम्हारी सिटी में जितनी भी पोकी जिम है ना वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेलना शुरू कर दो। अब भाई मैं समझ सकता हूँ कि तुम छोटे गाँव में रहते हो या फिर छोटी सिटी में रहते हो, वहाँ पे इनफ पोकी टॉप ऑफ पोकी जिम नहीं होते, अपन पोकी जिम जाते हैं भाई, इनफ पोकी जिम नहीं होते तो भाई तुम अपने स्टेट में खेलो। जैसे कि भाई मान लो मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, अजमेर आता है भाई राजस्थान में, और मेरे को पता है भाई राजस्थान में जयपुर जैसी जगह में बहुत सारे पोकी जिम है, तो भाई मैं जयपुर जाके खेलूँगा। हालाँकि मैं चाहूँ तो भाई मैं बाहर जाके खेल सकता हूँ, पर मैं तुम्हें आगे रीज़न बताऊँगा क्यों तुम्हें इंडिया के बाहर नहीं जाना है, स्पेशली भाई अपने स्टेट के बाहर तो जाना ही नहीं है। देखो सीधी सरल बात है, अगर तुम अपने एरिया में खेल दो ना तो यकीन मानो भाई वहाँ पे बहुत कम प्लेयर्स होने वाले हैं, और अगर तुम कोई भी रैंडम पोकेमॉन कैच करते हो ना जो अपन सिंपली कैच करके ट्रांसफ़र कर देता है कैंडी के लिए, तुम्हें ये नहीं करना है। तुम जो भी रैंडम पोकेमॉन कैच करो ना, जैसे भाई मैंने अभी पक्षी को कैच करा था, तो अभी मैंने इसे कैच करा और मैं इसे डाल दूंगा अभी जिम में, और देख लो यार बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है यार, तुम ऐसे बहुत सारे यकीन मानो भाई बहुत सारे पोकेमॉन बना सकते हो। जो पोकेमॉन तुम अभी ट्रांसफर करने वाले थे ना, क्योंकि तुमने उस पोकेमॉन को कैच करने से स्टारडस्ट और एक्सपी गेन कर लिया, और अगर तुम सोचो कि भाई ट्रांसफर करने से कैंडी भी मिल रही है और क्या ही चाहिए भाई, कोई भी रैंडम छोटे मोटे पोकेमॉन को कैच करने से और क्या ही मिल सकता है, पर गलत है यार तुम। तुम्हें अगर पोकेमॉन को जिम में डालना आता है और तुम जिम में डालते हो ना ट्रांसफर वाले पोकेमॉन को, तो भाई वो एक दिन बाद गारंटी 50 पोकेमॉन ले आएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जो अपने नॉर्मल इंडिया में पोकेमॉन स्पॉन होते हैं ना भाई, उनकी सीपी कम होती है, एचपी कम होती है, इसी के साथ साथ अपने पोके जिम को भी कोई हराने वाला नहीं होता। हाँ भाई दिल पे पत्थर रख के बाद बोल रहा हूँ, इंडिया में बहुत कम प्लेयर्स हैं, इसी के साथ साथ स्पेसिफिक कहीं कहीं प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा कम है यार। अगर तुम जानते हो कि कहाँ पे प्लेयर ज़्यादा है तो भाई बिल्कुल कमेंट करके बता देना। वैसे मेरी भी एक जयपुर की कम्युनिटी, आप चाहो तो जाके ब्लॉक चेकआउट कर सकते हो। तो भाई देखो सीधी सरल बात है, आपने एक ट्रांसफर करने वाले पोकेमॉन को जिम में डाल के 50 पोकेकॉइन के साथ साथ उसको ट्रांसफर कैंडी भी आपने गेन कर लिया है, इससे आपके दो फायदे हो गए। सबसे पहला फायदा नंबर वन तो यही हुआ है भाई, जो पोकेमॉन ट्रांसफर होने वाला था अब वो किसी काम आ रहा है, पोकी जिम में पड़ा हुआ है, पोकेकॉइन लाने वाला है। इसी के साथ साथ जो फायदा नंबर टू है ना, आप अपने एरिया में खेल के भाई दूसरे प्लेयर्स को भी एक्टिव कर रहे हो। जी हाँ गाइस, सपोज करो अपने एरिया में मतलब अपनी गली में बस एक ही पोकी जिम है, मतलब अपने गार्डन में एक ही पोकी जिम है, और तुम्हारे पार्क में दो बंदे खेलने वाले हैं, एक हैकर एक तुम हो, और तुम हो भाई रेड टीम के बंदे मतलब वैलर टीम के हो, और तुमने वो जिम गिरा के रेड कर दिया, तो जो हैकर बंदा है उसको पता चल जाएगा भाई किसी ने मेरे पार्क का जिम गिराया, तो भाई ब्लू टीम का बंदा आके लड़ेगा, और ऐसे कर करके भाई दूसरे प्लेयर्स भी आके आपको उस गार्डन में ज्वाइन करेंगे। तो भाई देख लो आप अपने एरिया के एक्टिव प्लेयर्स बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने तो अपने एरिया के एक्टिव प्लेयर्स ऐसे ही बढ़ाए हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है, अपने इंडिया में ही खेलना है, आपकी स्टेट में ही खेलना है, और हो सके तो अपने एरिया में ही खेलना है और ट्रांसफ़र करने वाले पोकेमॉन लगाने हैं। तीसरा फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा, मतलब इसके बारे में आपको पता होगा पर लेकिन 90% ऑफ द मेजॉरिटी को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने बोला भाई, आपको एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 पोकेमॉन ही रख सकते हो जिम में। तो भाई देख लो मेरे पास भी मैसेज आ गया कि आपकी लिमिट हो चुकी है पोकेमॉन स्टोर पोकेमॉन जिम में रखने की। सीधी सरल बात है भाई, आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 पोकेमॉन रख सकते हो, मैंने रख दिए, मेरे को सिर्फ आधा एक घंटा लगा, मैंने बस अपने एरिया का आधा एक चक्कर काटा और बूम भाई मैंने 20 पोकेमॉन जिम में रख दिए। बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है यार, अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, 20 पोकेमॉन तुम जिम में रख सकते हो, और अगर अपन मान के चले कि भगवान की दया से रोज एक पोकेमॉन वापस आ रहा है 50 पोकेमॉन लेके, तो 20 दिन में यकीन मानो भाई तुम्हारे पास आ जाएंगे उन ट्रांसफर करने वाले पोकेमॉन से 1000 पोकेकॉइन। जी हाँ गाइज, आपको 1000 पोकेकॉइन मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में। अगर अपन भाई छोटे स्केल पे अब इसकी बात कर रहे हैं, और जो फोर्थ बोनस पॉइंट है ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ, अपन हमेशा है ना छोटे स्केल पे सोचने वाले लोग बन गए भाई इंडिया में रह के। अगर मैं तुम्हें सीधी सरल भाषा में समझाऊँ तो भाई देखो, एक दिन में एक पोकेमॉन ज़्यादा से ज़्यादा 50 पोकेकॉइन ला सकता है अपने पास, तो ऐसे कर करके 7 दिन में वो लाएगा भाई 350 पोकेकॉइन, मतलब एक हफ्ते में 350 पोकेकॉइन वो ला रहा है। और जैसे मैंने बोला भाई,
10 दिन में वो ला रहा था 1000 पोकी कॉइन। तो एक महीने में आपके पोकेमोन गो में अगर आप मेरी वाली ट्रिक से इस्तेमाल करके अपने एरिया में खेल के ट्रांसफ़र करने वाले पोकेमोन लगाते हैं तो आपको एक महीने में मिल जाएंगे 1500 पोकी कॉइन। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा होते हैं भाई 1500 पोकी कॉइन। आप चाहो तो ये वाला डब्बा या फिर ये तीनों में से कोई सा भी डब्बा खरीद सकते हो। मतलब भाई सीधी सरल बात है, पोकेमोन गो की जो शॉप है ना उसमें से आप एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप पोकी कॉइन के द्वारा बाय ना कर सकते हो, जैसे वो पोकेमोन मेडल एंड कोई ना हो। मतलब आपको अगर अपनी पोकेमोन गो में टीम भी चेंज करनी हो ना, वो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ आती है भाई पोकेमोन गो में, और वो सबसे बेकार चीज़ आती है पोकेमोन गो शॉप में। अगर आपको अपनी टीम बदलनी हो ना तो भाई आप वो चीज़ भी खरीद सकते हो, और इसी के साथ साथ 1480 पोकी कॉइन वाला डब्बा भी बाय कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, बस एक महीने अच्छे से मेहनत करनी है, आपको मिल जाएंगे भाई 1500 पोकी कॉइन। अब अगर बात रही कि भाई तुमने 10000 पोकी कॉइन कैसे करे, या फिर तुम्हारे दोस्तों ने 55000 पोकी कॉइन कैसे करे, 20000 पोकी कॉइन कैसे करे, तो भाई उसका सिंपल आंसर है भाई उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और भाई मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एक साल तक भाई मैंने कुछ भी बाय नहीं करा, और हाँ लिटरली मैंने कुछ भी बाय नहीं करा। अब तो पोकेमोन को बहुत ज़्यादा आसान हो गया, हर चीज़ फ्री में बांटने लग गया। जैसा भी तुमने देखा मैंने फ्री का एक डब्बा खरीदा था जिसके अंदर भाई मेरे को सब कुछ ऑलमोस्ट मिल ही गया था, और हर 7 दिन में आपको एक ना एक बार तो भाई डिमोट्रेट पास देखने को मिल जाता है शॉप में। इसी के साथ साथ भाई बहुत सारे बोनस चलते हैं जिससे आपको डिमोट्रेट पास, प्रीमियम रेट पास, इसी के साथ साथ आजकल तो भाई दो दो तीन तीन डेली पास आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वीडियो डाल रखे, चेकआउट कर लेना। तो भाई देखो आजकल पोकेमोन को बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आप एक साल तक मेरी ट्रिक पे काम करते हो ना, मतलब आपको दिन का आधा एक घंटा देना पड़ेगा, वो भी एक महीने में एक दो बार। जी हाँ गाइस, बस इतना सा काम करना है यार, तुम्हारे एरिया में भी बंदे ज़्यादा हो जाएंगे, तुम्हें पोकेमोन भी ज़्यादा मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ भाई आम के आम और गुटलियों के नाम आपको मिल जाएंगे। थोड़ा जोक से फट गई, सीधे सरल भाषा में बोले तो भाई ट्रांसफर करने वाले पोकेमोन से आप पोकेमोन बना रहे हो, और आपको क्या ही चाहिए यार। अभी मैंने इतने सारे गिबल लगाए थे ना भाई जिम में, वो सारे के सारे मैं ट्रांसफर करने वाला था। गिबल कम्यूट डे के वो सारे के सारे गिबल थे, मैं सारे के सारे ट्रांसफर करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए वो एक भी स्पेशल गिबल तो भाई मेरे से आके व्हाट्सएप पर बात कर लो, व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ साथ भाई मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहूँगा भाई, मैं ये सारे का मतलब ऐसी वीडियो में बहुत कम बनाता हूँ भाई, और मोस्ट प्रोबेबली भाई मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा जगह जाता हूँ। तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट ब्लॉग। अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर आपके पास कोई फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर से कमेंट कर देना, और फैंटम यूट्यूब भैया को भी सब्सक्राइब कर लेना। उनकी 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही भाई वो 1000 पोकेमोन गिव अवे करने वाले हैं। और बताऊँ सीन क्या बैठा था उस बंदे ने, फैंटम भैया ने मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे आके बोला था कि आप बोलिए आपको कितना पैसा चाहिए, आप बोलिए, मैं जितना बोलो आप भरने को तैयार हूँ, बोलिए, मैंने तुम्हारा भाई है समझो। देखो उसके लिए आपको मेरे पर कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, हाँ, और जिंदगी में आपको कभी भी ये पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। जोक से पार्ट गए इस पर, फिर भाई मैंने उसे इतना बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो 300 रुपये तुम मेरे को देने वाले हो। मतलब हाँ उसने बोला था भाई मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा प्रमोशन कर दो, तो मैंने बोला भाई तुम मुझे 300 रुपये मत दो, मेरी जो ऑडियंस है ना एक्टिव ऑडियंस है उनमें आप पैसे बांट दो, तो मैं आपका प्रमोशन फ्री में कर दूंगा, बस तुम्हें एक गिव अवे करना होगा पोकेमोन का। तो उसने बोल दिया ठीक है भाई, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। जोक सपाट गाइस, तो बस यार आज की वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।